be genetic as well. वरासत में भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जो है जेनेटिक इसमें लिंक होता है. और जेनेटिक्स की जो साइंस है अब इसमें हम मजीद अंडरस्टैंडिंग हो रही है. जितनी अंडरस्टैंडिंग अब हमें है, आई डोंट थिंक इवन 10 इयर्स अगो जेनेटिक्स के बारे में इतना मालूम था जितना मालूम है. तो ये कि यस देयर आर जेनेटिक लिंक्स, और अगर खासकर आपकी फैमिली में अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या ब्लड प्रेशर है, देन जैसे हमारी फैमिली में जो है ऑल माय अंकल्स माय फादर दे ऑल हैड यू नो डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. So we know that there is somewhere along the line a genetic link. You know, it's not just a coincidence. So ab hame us cheez pe nazar rakhni padegi, weight kam rakhna padega, khuraak karna padega, namak. So you have to take all the precautions. Ye mujhe namak ka bataye ki karta kya hai ye namak, kyunki hum keh rahe hain ki namak na khaye, wo matlab ki when you do eat, why is it that we shouldn't eat too much salt? Namak se ye hota hai ki jo main cheez hai, dekhen is tarah hai ki agar hum aapko ye explain kar rahe hain ki namak, पहली चीज तो ये कि नमक किसी भी सूरत में आपको बंद नहीं करना चाहिए, प्लीज लेट्स बी कैटेगोरिकल, ओके. बट चूंकि नमक जरूरी है बॉडी की जो केमिस्ट्री है उसमें सोडियम बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी जो मिकदार है हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्राइमरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि बॉडी में जो एक तो सोडियम की मिकदार जो खून में बढ़ती है, लेकिन मेन चीज होती है कि जो फालतू पानी होता है बॉडी में वो रुकना शुरू हो जाता है. जब वो रुकता है तो आपकी जो खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. Which means कि your heart has to work harder, जो कि उसे अब बजाय इतना ब्लड है वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसे पंप करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है. जब वो प्रेशर बढ़ता है तो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो खूनी रगें हैं, उन पे प्रेशर बढ़ता है. अगर वो एक्सपैंड होती हैं, किस हद तक एक्सपैंड होंगी, खासकर जो दिमाग में रगें हैं वो तो बहुत बारीक हैं. अगर वो खुदा ना खासा अपनी जो लेवल उससे ज्यादा आप उस पर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर ज्यादा होगा तो जहां पर वो फटेगी वहां पर वो पैरालिसिस वगैरह, लकवा वगैरह, ये चीजें हो सकती हैं. तो That's very very important. और खास कर जो दिल पे, even दिल अब खुद बजाते खुद फैल सकता है प्रेशर ज्यादा हो तो उसे अकोमोडेट करने के लिए बड़ा जरूरी, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन डोंट ओवरडू इट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, बात कर रहे हैं कि पेशाबावर चीजें जैसे सैलरी है, आम आपको मिल जाती है, इट्स ए वेरी 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 गुड डायबिटिक. तो अगर आप वो यूज करना चाहते हैं, सॉल्ट को बहुत इग्नोर करती थी इसलिए आई यूज्ड टू फील वेरी लो समटाइम्स, यू नो. नो बट सिमिलरली अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो फिर थोड़ी सी मिकदार नमक की आपको बढ़ानी पड़ती है. लेकिन अभी हर चीज जो है आपको मशवरे के साथ करनी चाहिए. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पर आपको समझना चाहिए. लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसमें फिर होता है कि थोड़ा बहुत नमकियात की मिकदार जो सोडियम की मिकदार. मुझे याद है जब मैं मतलब मुझे इतनी नॉलेज दी थी तो वो खा रही थी अंग्रेज और क्रिस्प. मैंने कहा तुम ये हर कॉफी ब्रेक में ये क्यों खाना शुरू करती, आई नीड. और मजा साहब हम बात कर रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इलाज में सप्लीमेंट्स भी तो यूज करते होंगे आप लोगों, किस किस्म के सप्लीमेंट्स इलाज में? जी बिल्कुल, तिब में जो इसका इलाज होता है, जो इसमें रेमेडीज हैं, बेशुमार रेमेडीज हैं जो कि जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को पॉजिटिव तौर पर कम करती हैं. अब इसमें वो अगेन वो जो बीटा ब्लॉकर वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, तो ये कि वो मिजाजन काम करती हैं. तो जैसे मुफरशाही है, एक्सेरिकल है, हब फिशार है, खमीरे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करवाएं मरीज को तो ऐसे ऐसा ब्लड प्रेशर जो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है. ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि कई लोग करते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करें, इस टाइप की मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहते, तो अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है वो यूज़ करना चाहें तो देर आर ऑप्शन अवेलेबल, पहली चीज़. अब इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है. देखा ये गया है रिसर्च में कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है इनमें दो चीज़ें हैं जिनकी कमी पाई जाती है अक्सरियत की. एक इसमें होता है विटामिन सी की कमी पाई जाती है, और एक क्या कहते हैं कोएंजाइम Q10, इसकी जो है कमी पाई जाती है. ये यानी कि उनका अगर आप ब्लड टेस्ट करें जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है तो ये दो चीज़ों की जो है अक्सरियत में जो है कमी पाई जाती है, एक विटामिन सी और क्यूएंजाइम Q10. ये आपको आम फार्मेसीज वगैरह से जो है सप्लीमेंट जो है हेल्थ फूड शॉप से आपको जो है मिल जाएंगे, ये आप यूज़ करें. एंड अगेन अगर आप सप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी डाइट, अगर आपको खुदा न खासा ब्लड प्रेशर हो चुका है तो जो कैरेट्स एंड जो कद्दू है इसका जूस और सैलरी जो है ये अपनी डाइट में आप मस्ट है अगर आप इंक्लूड करें. सैलरी जो है सैलड में भी आप यूज कर सकते हैं, एज ए सप्लीमेंट अगर आप यूज करना चाहें. अगेन अनार का जूस बहुत अच्छा है इसमें, गाजर का जूस बहुत अच्छा है. तो अगर आप डाइट को इस्तेमाल करें और उसके साथ ये सप्लीमेंट्स यूज करें तो अगर आपको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है तो इनके इस्तेमाल से ऐसा ऐसा जो है वो कम होना जो है वो शुरू हो जाएगा. अच्छा, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं
वो तो फिर इंसान फौत हो जाएगा ना. नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म कर दिया. मतलब कि जो हाई ब्लड प्रेशर को एक तो खोते हैं ना, दवाइयों से कंट्रोल किया होता है. और अगर आपने बड़ी सही खुराक खाई है, दवाइयां भी खाई, एक स्टेज आती है वो कि यू डोंट नीड एनी मोर. एब्सोल्युटली. जो 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 हर्बल टिप में अगर हम इलाज का देखें कॉन्सेप्ट, तो इलाज का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप ताहियात दवाइयां खाते रहें. एब्सोल्युटली नॉट. हमारा जो जो गोल, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, एम यही होता है हर मॉलेज का, आई डोंट केयर व्हाट डिसिप्लिन यू फ्रॉम, कि मरीज जो है उसे आप अल्टीमेटली जो है सही कर दें और मजीद दवाई की जरूरत ना पड़े. अब ये कि वो मरीज आपकी हेल्प कितनी करता है, मरीज कितनी बर वक्त दवाई खाता है. अब फॉर एग्जाम्पल कल मैं बर्मिंघम सर्जरी कर रहा था, तो कई मरीज ऐसे आए जिनके पास पिछले महीने की मेडिसिन अभी थी एंड वो दवाई जो है बर वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे. व्हिच मींस देन कि ना सिर्फ मरीज अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने जो पैसे हैं वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो दवाई ही नहीं यूज कर रहा, वो जो अपॉइंटमेंट टाइम वो ले रहा है वो वेस्ट हो रहा है. वो भी वेस्ट, वो हम उस मरीज को दे सकते हैं जिसकी ज्यादा जरूरत है, जो जो बेचारा अभी इलाज करवाना चाह रहा है. तो अगर आपके पास ऑलरेडी डेढ़ महीने की दवाई है, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट पे आने की जो है अगर हम बात करते हैं जो क्रॉनिक कंडीशन होती है, ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ देम, इसमें अगर मरीज रेमेडीज यूज करता है, सप्लीमेंट्स यूज करता है, डाइट चेंज करता है, नमक की मिकदार कम करता है, एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करता है, तो सिर्फ ये तब्दीलियां करने से काफी हद तक उसका ब्लड प्रेशर जो है वो काम डाउन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली जो है इलाज का मकसद यही होना चाहिए कि मरीज सेहतयाब हो जाए, दवाई जो सारी जिंदगी यूज ना करे. तो मजर साहब, हम अब अपने व्यूअर्स को कह देते हैं, हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि अगर आप चाहें तो शामिल हो सकते हैं. हमारी टेलीफोन लाइंस खोल दिए गए हैं, तो अगर आपको कोई भी सवाल हो मजर साहब से तो आप बात कर सकते हैं. हम एक कॉलर से बात करते हैं. जी हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी मेरा नाम कयूम है. जी जी कयूम साहब, आपने कुछ पूछना है? जी मैंने पूछना है, मैं थोड़ा कुछ बताना भी था किंग साहब को. जी फरमाए. तो मैं थोड़ी सी बात, थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं ब्लड प्रेशर की तरफ ही आऊंगा. जी मेरे को हेपेटाइटिस सी हुआ था, तो मुझे इसका पता नहीं था इससे 4 साल पहले. तो अल्लाह का फजल रहा, मुख्तसर ये कि खुदा ताला ने मुझे ठीक किया, उसमें मैं क्योर हो गया और डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया. तो उस दौरान जो है मुझे नहीं पता था कि मुझे ब्लड प्रेशर है. तो मैंने मशीन ली और मशीन लेके जब मशीन पे मैं चेक करता था, तो आप यकीन करें कि मेरा जो ऊपर वाला था वो 250 से ऊपर होता था और नीचे वाला 150 पे, और उसके बाद मशीन बंद हो जाती थी. लेकिन अल्लाह का फजल रहा कि मुझे होता कुछ नहीं था, लेकिन मेरे नाक से खून आता था. अच्छा, मैं एक गुजारिश करती हूँ अपने व्यूअर्स से कि आप प्लीज अपना, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री आप ठीक है आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन कॉल्स बहुत सारी होती हैं और बहुत लोग होते हैं, तो आप मुख्तसर सा बता दें कि आप पूछना क्या चाहते हैं और शॉर्ट रखें अपना. और अगर आपने मजीद अपनी हिस्ट्री बतानी है तो फिर काइंडली अपना नंबर छोड़ दीजिएगा. अच्छा, तो अभी माशाल्लाह अल्लाह का फजल है कि मैं अभी एक्सरसाइज भी करता हूँ और मैंने अपनी डाइट चेंज की हुई है, तो अब जो है मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या नाम है इसका 113-114 और नीचे वाला जो 180 पे होता है 175 पर. और मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ. दैट्स गुड, वेरी गुड. हाँ जी, आप वॉक कर जो है खाने के बाद खासकर जो है जारी रखें. फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया. जी मैं अपनी जो डाइट है वो भी मैं गाजर और ब्रोकली वगैरह जो है वो यूज कर रहा हूँ. जो चीजें हम बता रहे हैं वही कर रहे हैं. दैट्स वेरी वेरी गुड. हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया फोन करने का. जी, जी.